तो हे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ जहाँ होंगे बेहतर होंगे। मैं जमान शेख आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर। तो ये मॉर्निंग टाइम है, मैं सनशाइन आपको दिखा देता हूँ। वो देखिए, मॉर्निंग है अभी, तो मौसम काफ़ी अच्छा है, ठीक ठाक है। तो चलिए, मौसम का तो हाल हमने दिखा दिया, हम अपने कबूतरों का हाल दिखाते हैं। तो हमारे कबूतर पहले से काफ़ी बेहतर है। ये छोटे छोटे बेबीज हैं, वो भी काफ़ी हेल्दी हैं। ये देखिए, तो छोटी सी चीज़ है जिसका ट्रीटमेंट करने आए। ये सामने जो कबूतरा दिख रहा है, इसकी आँख देखिए, थोड़ा सा इसकी पलक जो है लटक गई है एक तरफ की, दूसरी तरफ भी सही है। ये देखिए, लटकी हुई है। तो इसी का ट्रीटमेंट करने के लिए हम आए थे। बाकी सब तो लसोटे की वजह से काफ़ी ठीक ठाक हैं। तो नेक्स्ट डोज तो अभी कम से कम 3-4 दिन बचा हुआ है उसका। इसका तो ड्रॉप हमारे पास है, तो अभी हम फटाफट से अप्लाई करते हैं और आपको दिखाते हैं। फिर शाम में देखेंगे कि इसकी आँख कितनी अच्छी हुई, फिर आपको दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं फटाफट से वो वाले लॉफ्ट में। ये वाले कबूतरों का तो हमने हाल दिखा दिया आपको, तो चलिए फटाफट से ये वाले कबूतरों का हाल दिखाते हैं। ये देखिए, जो मुँहतेड़े हैं, इनमें जो फूलने वाली बीमारी थी वो चीज़ स्टॉप हो गई, और जो बीमारी फैल रही थी वो वहीं पे स्टॉप हो गई। ये देखिए, इसके भी आँख में थोड़ा सा इन्फेक्शन है, ये ब्लैक आईज वाली। तो गर्दन टेढ़े वाला मामला तो यहीं पे है, इसका थोड़ा सा, ये वाली थोड़ा सा झोल में है। ये जो रेड वाली बैठी है, और वो तो टेढ़ा हो जाता पूरा, रात में तो मैं उसको देख के ही डर गया था। तो दवा तो दे के गया था। तो सोचा मॉर्निंग में चलूंगा और आपको क्लियरली दिखाऊंगा। ये दोनों कबूतरों को मैं अभी ड्रॉप अप्लाई करता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या फ़ायदा हुआ ड्रॉप से। फिर मॉर्निंग में ये सब करने के बाद शाम में दिखाएंगे कि इसका क्या अच्छा इफेक्ट पड़ा। तो बेबीज इसमें भी काफ़ी हेल्दी है, मैं थोड़ा सा करीब से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, वो देखिए, वहाँ पे काफ़ी एक्टिव लग रहे हैं, ठीक ठाक हेल्दी हैं। ये है मादा, और ये वाला नर है, वो वाला। तो इसमें भी हाल काफ़ी ठीक है, और ये वाला तो मॉर्निंग में ही उड़ गया था। तो ये उड़ लेता है मुँह टेढ़ा, काफ़ी अच्छा उड़ता है। और ये ब्लैक आइज वाली तो काफ़ी सही हो गई है। ये जो सामने फ्रंट पे बैठी हुई है, ये देखिए, ये वाली काफ़ी हेल्दी हो गई है और ठीक भी हो गई है। इसकी थोड़ी सी भी गर्दन ट्विस्ट नहीं है, खाना पीना रहना सहना सब जो है सब क्लियरली एकदम सही है। तो फटाफट से हम ड्रॉप लाते हैं और अप्लाई करके दिखाते हैं, और शाम में दिखाएंगे उसका क्या इफेक्ट पड़ा। तो ये देखिए कबूतरा हमारे हाथ में, ये वाली आइज देखिए इसकी एक बार। और ये दूसरी वाली आइज दिखाता हूँ, ये देखिए, ये थोड़ा सा डीम है, थोड़ा सा इसकी पलक लटकी हुई है। तो फटाफट से इसको ड्रॉप अप्लाई करते हैं और छोड़ देते हैं, फिर देखते हैं शाम तक क्या असर आता है। अभी तो पानी इतना पिया हुआ है कि मुंह से पानी ही पानी निकल रहा है। फिलहाल तो ड्रॉप अप्लाई कर दिया हमने, तो देखते हैं शाम तक क्या असर आता है। उम्मीद है ठीक हो जाएगा, काफ़ी ठीक हो जाएगा। ड्रॉप भी मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए। तो काफ़ी कारीगर है ये। तो चलते हैं वाले लॉक में। तो ये वाले कबूतर की आंख देखिए आप, थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है। ये वाली ठीक है, और ये दूसरी वाली को मैं शो कराता हूँ। ये देखिए क्या हुआ इसकी आंखों में, एकदम वाइटनेस हो गई है, और थोड़ा सा ऐसी है जैसे लग रहा फूली हुई है। तो इसको भी फटाफट से ड्रॉप अप्लाई करते हैं। थोड़ा देर ऐसे ही रहने दें ताकि ड्रॉप अच्छे से भीग जाए आँखों में। फिर ये दूसरी वाली आँख में भी डाल दें कि अगर होना भी चाहे तो ना हो। तो हमने दोनों आँखों में ड्रॉप अप्लाई कर दिया, इसे छोड़ देते हैं। काफ़ी इजी होता है इस तरीके से पकड़ना। चलते इसे फटाफट से लॉफ्ट में छोड़ देते हैं। तो फटाफट से इसको भी हमने ड्रॉप अप्लाई किया, उसको भी किया। तो चलते हैं इसको लॉफ्ट में छोड़ देते हैं, फिर देखते हैं शाम तक क्या असर होता है।
फिलहाल तो एक भी कबूतर नहीं है, बाकी सब ठीक ठाक दिख रहे हैं। झगड़े कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो मतलब थोड़ा एक्टिव है। तो चलते हैं, हम भी आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। फिर मिलते हैं कोई नई खबर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। टन टन।